स्वागत है आपका जी न्यूज 18 में। एजाज खान ने मुंबई में ऑडियो गैरेज स्टूडियो पे लॉन्च किया दे गोली सॉन्ग। पत्रकारों से बात करते हुए एजाज खान ने दे गोली सॉन्ग को भी गुनगुनाया। हमारे संवाददाता मुकेश शाह की खास रिपोर्ट। मैंने एक्चुअली विचार तो नहीं आया, हमने गाने को ऐसे ही गुनगुना रहे थे तो ये इसने कहा कि भाई गाना तो बहुत अच्छा है और तरीका भी बहुत अच्छा है, कर दो, ये गाना बहुत फायदा देगा। हमने कहा हमको या तुम दोनों को पर हमने कहा गा देते हैं, गाना अच्छा है, देखते हैं। वैसे भी आजकल तो मचिंग गाता है, लोग तो कहाँ गा रहे हैं, हम भी गा लेंगे। आपको क्या लगता है जिस तरह से बाकी सिंगर्स को मतलब लोग सपोर्ट करते हैं, उनके गानों को पसंद करते हैं, आपके गानों को लोग किस तरह से लेते हैं? या मेरी हर बात को मेरे चाहने वाले बहुत अच्छी तरह से लेते हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ये इज्जत ये प्यार बख्शा है। और मुझे पता है कि मेरे 40 मिलियन 50 मिलियन तो फॉलोवर नहीं है, लेकिन 3 मिलियन 50 मिलियन को काफ़ी पड़ते हैं। तो ऐसे 3 मिलियन हो जो 50 की बजा दे, क्या फ़ायदा 50 मिलियन हो और 3 की ना कर सके। तो मेरे चाहने वाले मेरी तरह ही एकदम पागल। गाना गाने से पहले आपने इसका कुछ रियाज या कुछ प्रैक्टिस वगैरह की थी? अरे मैं कोई सुनो निगम हूँ क्या भाई यार, कोई प्रैक्टिस नहीं है, गाने को ऐसा चाहिए नहीं कुछ, इसको रियाज नहीं इसको एजाज चाहिए। अच्छा तो आपका फेवरेट सिंगर कौन कौन है जिसने आपको इंस्पायर किया? नहीं मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं ये बादशाह और हनी सिंह गाते तो मैंने बोला मैं भी गा लेता हूँ। मतलब बात नुसरत साहब की हो, रफी साहब की हो तो अलग बात है, सिंगर वो है भाई किशोर कुमार, मुकेश जी, अरिजीत को थोड़ा थोड़ा वैसा तो नहीं, वो भी क्योंकि अब तब मशीन नहीं थे, तब तो भाई हर आर्टिस्ट लाइव बजाता था बेचारा, हर आर्टिस्ट अपनी कलाकारी दिखाता था, पियानो भी लाइव बजते थे, सारे म्यूजिशियन एक सिंक में बजाते थे। अभी तो क्या है सर, एक लाइन गा दो बाजारी हम इसको ठीक कर देंगे, वो हो जाता है। तो इंसानों का काम मशीन करने लगा है, इसीलिए फीलिंग्स मर गई है। ये तो पहले रफी साहब जब गाते थे तो उनकी आवाज़ हमारी रूह के अंदर जाती थी, अरिजीत की कान में से ही बाहर चली जाती है। जिस तरह से कलाकार हो एक समाज सेवक हो, तो आपके इस भारत में जो आपने एक नया चीज़ बनाई है कि मैं सिंगर बनूंगा, तो इसमें आप कितना कामयाब हो? भाई मैं सिंगर बनने नहीं आया हूँ, मेरा एक आदत है भाई, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया मैं सबको सपोर्ट करूँगा। ये एक नया म्यूजिक डायरेक्टर उभरता हुआ है, बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, एक नया डायरेक्टर है, ये दोनों मुझे मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। इन्होंने कहा भाई म्यूजिक वीडियो आप करो, हमने कहा चलो अगर हमारे करने से तुम लोगों का कोई फ़ायदा होता है तो हम खड़े रहेंगे, हम सलमान भाई थोड़ी है। ये एक्चुअली ये गाना जो भाई के शरीर का ही है, इसके एक्सप्रेशन सॉन्ग है, ये सिंगर वाला सॉन्ग नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें एनर्जेटिक है, एक्शन है, इनकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं ये गाना बाहर लाता है, और लिरिकली भी भाई ने लिखा है बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह आपने गाना गाया है, क्या अभी आप दर्शकों को गा के सुना सकते हो आपने कौन सा गाना गाया क्या? वैसे दर्शक बहुत बार सुन चुके हैं, मैंने कहीं ना कहीं वो एक वेडिंग में गया था वहाँ गाया था ये गाना मैंने, म्यूजिक के साथ सुनोगे तो ज्यादा बेहतर है। दाऊद इब्राहिम के जो नेफ्यू है वो मेरे फैन है, वो मुझसे प्यार करते हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि मेरी शादी में कोई आए ना आए, एजाज भाई आपको जरूर आना है। हमने कहा ठीक है भाई, तुम थोड़ी ना दाऊद इब्राहिम हो, हम तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। तो हम गए उनकी शादी में और हमने गाना वहां गा दिया तो सारे ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा था ये गाना, एबीपी से लेके सारे बीपी, तो हमने वहां ये गाना गा दिया। और ये गाना मतलब हमने गाया भी ऐसी जगह पे कि वहां पे सारे डॉन लोग सारे भाई लोग बैठे थे, सब तालियां बजा रहे, हमने कहा भाई ये गाने में कुछ तो बात है, ये लोग पागल हो गए। उसके लिए भी लोग हमें कहते हैं कि तुम एक टेररिस्ट एक माफिया उनकी शादी में गए, हमने कहा भाई हम दाऊद इब्राहिम की शादी में थोड़ी गए थे,
भाई देखो हम हिंदुस्तान में इस तरह से जज करते ना लोगों को यार, वो थोड़ी ना, वो तो एक बिजनेसमैन है, उसके मामा ने कुछ किया है, उसमें उसका क्या लेना देना है, और वो हमारा फैन है। अरे दाऊद भाई हमारे फैन होते तो हम उनसे भी मिल लेते हैं, ऐसा थोड़ी है। अगर हमें कोई प्यार करेगा हम उसे प्यार देंगे, चाहे वो कोई भी हो, फैन तो फैन होता है यार। इधर तो जाने के बोल और जाकर हम बता देते हैं। कॉलर पकड़ झटका दे, कान के नीचे फटका दे, और लेको पूछे में अटका दे, दो चार को तू टपका दे, फिर कोई तुझसे पंगा ना लेगा, जिससे डरे तू वो तुझसे डरेगा, मच मच क्यों करता है जितना समझता है, दुनिया नहीं इतनी भोली दे गोली, ढिचा ढिचा ढिचा। क्या बोलता है मिका से तो अच्छा गाता हूँ ना। आसिफ जी, म्यूजिक डायरेक्शन के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा इनके ऊपर, लाइक म्यूजिक को लेके के? एक्चुअली म्यूजिक को लेके इतना मेहनत नहीं करना पड़ा, काफी मेहनत, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी म्यूजिकली लाना, लिरिकली तो बहुत ही बेहतरीन है, म्यूजिकली लाना बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग है। आपने अप्रोच कैसे किया सर को? नहीं, हम एक गाना और साथ में कर रहे हैं जिसमें हम इनके साथ जुड़े, बहुत अच्छा गाना है ये, और हमारे बहुत ही अरफात भाई हमारे बहुत प्यारे, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने लिखे हुए हैं, अभी उनको अवार्ड भी मिला है, जिनका एक सबसे अच्छा गाना हमें वो लगता है, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला के लेके गलत में पता निकला, मैंने कहा एकदम सही बात कही है तुमने भाई। तो वो गाना हम लोग कर रहे थे, उसमें बीच में हम ये तो उन्होंने कहा भाई इसमें जब तक अरिजीत जी डेट देते हैं मिल ही नहीं रहा, आजकल डायरेक्टर बन गए, अल्लाह तुम्हारा भला करे अरिजीत, कहाँ हो तुम, इतना अच्छा गाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, हमने कहा हम उनके घर से जाके उठा लाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाई ऐसे मत करो, कभी हमारे गाने नहीं गाएंगे वो, तो तुम बुला लेना, तुम गवा लेना। लेकिन इनकी कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि भाई करो, हमने कहा ठीक है हम कर देंगे, और आज यहाँ बैठे हैं आपके सामने। हम सिंगर नहीं हैं, हम कोई सोनू निगम नहीं है, हम एजाज हैं, और हम गाएंगे जितना हमसे गा सके हम, और ये उस तरीके से गाएंगे जिस तरीके से हम गाते हैं, ये बना भी इनके स्टाइल से ही है। के लिए कितना मेहनत किया है इस गाने के लिए, कि किस तरह से इनको डायरेक्शन के लिए लेना है, क्योंकि इनका फोटे भी उसी तरह से है थोड़ा कि वो गाने में ढल जाएंगे, तो आपका कितना मेहनत रहा? ये तो एक्टर ये बाद में, पहले तो अपने भाई हैं, तो हम लोग ऑलरेडी है कि जो सलाम इंडिया मैं इनके साथ कर रहा था, तो उसी टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों का कन्वर्सेशन होता था, तो इस टाइम पे इन्होंने लाइव किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने बोला ये गाना अपन करते हैं वीडियो बनाते हैं, तो इससे मैंने म्यूज़िक के लिए बात किया, क्योंकि इससे पहले मेरा गाना एक सेटिंग चल रहा था, इस हिसाब से मैंने ये गाने को प्रोग्राम किया, फिर सारी चीज़ें हम लोग अरेंज किए, एंड देन आज फाइनली रिकॉर्डिंग भी करेंगे और शूट भी करेंगे। चाहिए ये आदमी से बच्चो, वैसे आने वाले फ्यूचर का बहुत अच्छा डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर है ये, नए लोगों को भी सुनो रे मेरे भाई, तुम्हारे कान नहीं पक जाते क्या, सर नहीं दर्द होता है तुमको, 25-25 साल से एक ही हीरो देख रहे हो तुम यार, हमारे मम्मी डैडी भी एक हीरो देखते हैं, हम भी वही देख रहे हैं भाई, सबको मौका दो, इसीलिए हिंदुस्तान यंगिस्तान होने के बाद भी नौकरी सबसे कम यहाँ पे है, जिसकी जो काबिलियत है उसको वो काम नहीं मिलता है, अबे हमको नहीं मिला तुम लोग को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगत सिंह ने उस लिए जान नहीं दी थी कि हम लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे रहे और जो कुछ बोले उसको बोले कॉन्ट्रोवर्सी किंग है ये पब्लिसिटी, अबे हम सच बोलते हैं और बोलते रहेंगे, कम से कम हमारा जनाजा भारी नहीं होगा, तुम तो तले बच्चों को क्या सिखा रहे हो कि सच बोलो, हाँ बोलेंगे तुम्हारे बच्चे तुमसे सच, छोड़ो यार बाबू चलो।